प्लस ओबीसी की लैंड है, प्लस शेड्यूल कास्ट की लैंड है, माइनॉरिटीज की लैंड है गांव की, वो ये कंपनीज को देना चाहते हैं, पर उन कंपनीज में बीजेपी शेयर होल्डिंग नहीं देना चाहती है उनको। तो ये बीजेपी की नीति को हम आउट करना चाहते हैं और हम ये शेयर होल्डिंग, ये ओनरशिप यहाँ के जो मूल निवासी है, जो ट्राइबल्स है और बाकी लोग हैं, उनको इंश्योर करेंगे। बजट को 1,25,00,000 करोड़ तक ले जाएंगे। जो 73,000 करोड़ का शाह कमीशन ने कहा कि माइनिंग घोटाला है, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने भी किया है और पहले कोड़ा भी जो इसमें थे, उसका जो है वो इन्वेस्टिगेशन बैठा कर उस पर एक्शन लेंगे, वो पैसा बजट में लाएंगे। 1,25,00,000 करोड़ रुपए का बजट होगा और इसका एलोकेशन E4H2S2R2 यानी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एंडोमेंट्स, हेल्थ, हाउसिंग, स्किल्स, सोशल सिक्योरिटी, रिप्रेजेंटेशन एंड रिजर्वेशन, इस पर खर्चा करेंगे। किसानों को 200 यूनिट बिजली माफ होगी, 2,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल हम ग्रांट देंगे सपोर्ट प्राइस उनको खेती करने के लिए। सारे भूमिहीन किसानों को 5 एकड़ जमीन जो है फ्री में देंगे। जो पुराने घर हो गए उनको 70,000 रुपया देंगे वो घर को सुधारने के लिए। नए घरों को जो है हम प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना के अलावा 80,000 रुपये जो है वो एडिशनल देंगे ताकि घर बड़े बन सके, अच्छे बन सके। और इसके साथ में रिजर्वेशन ओबीसी का 40% हम करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजेंगे कि आर्टिकल 16(4)(a) को अमेंड करके रिजर्वेशन इन प्रमोशन ओबीसी को हो। ट्राइब्स का और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन 29% से ज़्यादा यहाँ पर करेंगे और माइनॉरिटीज़ के लिए 8% बजट में एलोकेशन करेंगे। एससी एसटी के लिए 25% से ज़्यादा एलोकेशन करेंगे, ओबीसी के लिए 20% से ज़्यादा एलोकेशन करेंगे और किसी के साथ भेदभाव किए बगैर जौहर झारखंड की निर्मिति करेंगे। क्या बात है मनकर साहब, सबसे बड़ी बात प्रश्न उठ के आती है यहाँ जो मुख्यमंत्री जो है लगातार 4-5 बार का जो सीट बरकरार रखे हुए थे, उनका एक ही मल मंत्र था कि 86 मालिकाना हक दिलवाना, क्या इसके प्रति कुछ आपका गंभीर मुद्दा है आपके पास? खतवा रिकॉर्ड जो है वो तो बर्बाद हो गया है। वो तो मैंने कल ही पता किया है और पहले भी पता किया है कि 1908 के बाद जो रिकॉर्ड है वो बिगाड़ा गया है। तो 1982 और 86 का जो भी सर्वे हुआ है 32 के बाद का, उसमें बहुत सारा लैंड रिकॉर्ड गायब है और एक बहुत बड़ी साजिश है जहाँ से जो यहाँ के मूल निवासी है, नेटिव पीपल है, उनको जो है वो आइडेंटिटी ही नहीं रहेगी। तो वो रिकॉर्ड जो है वो जो चोरा गया है, उसके रिकॉर्ड्स गायब किए गए हैं, उसको प्रॉपर हम पूरा सर्वे करके पूरे एक साल के अंदर में इसको जो है करेक्ट करके यहाँ के लोगों को मालकिनिया हक दिलाएंगे खतवा रिकॉर्ड का। क्योंकि सर विभिन्न क्षेत्र से आपके प्रत्याशी खड़े हैं, कुछ पूर्वी से है, कुछ पश्चिमी से है, कुछ जुगसलाई से हैं, तो कोई बरहरगुड़ा से है, तो उनका अपना अपना कुछ ना कुछ एजेंडा होगा, तो उस एजेंडा को आपने समझा, आपने जाना? बिल्कुल जाना है। और ये जो नीति मैं आपको बता रहा हूँ, ये नीति में सारी चीज़ें समाहित है और ऑफकोर्स कुछ लोकल इश्यूज़ होते हैं तो वो उन्होंने अपना सेपरेट पैम्पलेट में जो है वो छापा हुआ है। और मैं कहूँगा कि खतवा रिकॉर्ड जो है, अगर रघुवर कह रहे हैं कि मैं ठीक करूँगा तो अब तक क्या सो रहे थे? वो तो कह रहे हैं कि आदिवासी मुक्त झारखंड बनाऊँगा, तो मैं बीजेपी मुक्त झारखंड बनाने के लिए आया हूँ, उनको चैलेंज करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। कोई कहता है कि मैं झारखंड आदिवासी मुक्त झारखंड बनाऊंगा, कोई कहता है कि मैं भाजपा मुक्त झारखंड बनाऊंगा। मसला ये है कि क्या आदिवासी का गढ़, आदिवासी का क्षेत्र, ये आदिवासी बहुबल क्षेत्र है, यहाँ से अगर निकाल कर भाजपा वाले कहीं बाहर रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? इस संदर्भ में हम बरहरगुड़ा के जो ये हमारे प्रत्याशी हैं, आप हैं सर, क्या नाम हुआ सर आपका? आइए इधर आइए, ये आपके लिए अच्छा मंच है तमाम जमशेदपुर के लोगों को बताने का। क्या है नीति आपके, आपका एजेंडा क्या है? कैमरा उधर है सर जी। सबसे पहले तो ये जो हमारा शिक्षा नीति है, सबसे मैं शिक्षक का बेटा हूँ, इसीलिए मैं सबसे पहले शिक्षा पर जो भेदभाव चल रहा है, एक बच्चा इंटरनेशनल स्कूल और दूसरा बच्चा खिचड़ी स्कूल, ये बहुत गलत और बहुत बड़ा अन्याय है हमारे साथ। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय जो संविधान में लिखा है वो आज क्यों नहीं लागू होता सही तरीके से, यही हम चाहते आपका हैं। एजेंडा है हम लोग जो शिक्षा पर समानता होना चाहिए, एक सिलेबस होना चाहिए, 12 क्लास तक सही शिक्षा होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए सबको। चलिए बरहरगुड़ा सर जी, आप सर जुगसलाई से, क्या आपका नाम बताइए, पूरा पता बताइए जी, रुकिएगा जी जी। नाम आपका, नाम क्या हुआ? विराम सिंह तोपनो। एक मिनट, आपका सर नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम विजय मुखी है। आप कहाँ से? मैं जुगसलाई विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। मेरा एजेंडा है आपका बेरोजगारी, यहाँ का जो हमारे मूलवासी लोगों के साथ जो हो रहा है, कंपनी से मैं जो बंद करके पढ़ाई लिखाई से लेके या तो रोजगार जो लोगों का, मतलब कि आज घर पे बैठ जा रहे हैं, मतलब कि इतने बेरोजगार हो चुके हैं कि लोग अन्न के लिए तरस चुके हैं लोग। बहुत बहुत आपका आपका सब सुपर से क्या हुआ सर? मेरा नाम सोमनाथ तिर्की, मैं पूर्वी क्षेत्र से। आपका एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा ये है कि यहाँ जो है
जिस तरह से यहाँ का जो मालकाना ये लोग बोलते हैं, इस मालकाना का शिक्षा मेरा पहला प्रमुखता है। यहाँ के लोग जो बना कर रखे हैं कि एक तरफ अमीर लोग पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम में और दूसरी तरफ प्राइमरी स्कूल में गरीब के बच्चे। बात कर लेते हैं पश्चिमी से। सर आप सुनील जी, आपका क्या है मुद्दा, शिक्षा पर क्या मुद्दा बोलेंगे? शिक्षा तो बहुत मोस्ट है, क्योंकि राज्य और देश के लिए शिक्षा बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। जहाँ की जनता अगर शिक्षा रहेगा तभी हमारा राज्य और देश विकास करेगा। इसलिए शिक्षा, बेरोजगारी की समस्याओं पर भी इसको हम लोग ध्यान देंगे, ये हमारा मुख्य एजेंडा है। मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ प्रश्न हमारा टीवी के माध्यम से, सिटी न्यूज़ के माध्यम से, क्या पता है आपको कि जमशेदपुर में कितने प्लस टू स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, पता है आपको? नहीं। आपके प्रत्याशी खड़े हैं, आपके साथ में अन्य प्रत्याशी भी लोग हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपने कभी पूछा उनसे कि कौन है हमारा, कितने हैं बच्चों को जो भेजते हैं पढ़ने के लिए, मूलभूत शिक्षा, मूलभूत आगे बढ़ने विकास करने के लिए क्या होना चाहिए, शिक्षा में कितने हमारे ऐसे स्कूल है जो सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है? सर अभी तो सरकार छोड़िए ना, मैं बताता हूँ सर आपको, बंद हो रही है। गुलुडी से लेकर के आम बगान तक मात्र 2+2 हाई स्कूल है, और इस गुलुडी से लेकर के आम बगान के बीच कितने सराफखाना है पता है आपको? 2224। अब बताइए कि शिक्षा, सर मानिकर साहब आप आपको बुलाएंगे मंच पे, आइए, बहुत बड़ी मुद्दा को लेके आए हैं सर आपके बीच। यस बोलिए। अभी सर सबसे बड़ी बात आपके पास आता है सर, इसको अगर नीति को पहले अगर दूर करते हैं तो मैं समझता हूँ जमशेदपुर आपके तरफ देख सकता है सर। यस, यहाँ मात्र 2+2 हाई स्कूल है सरकार का, मात्र 2, और जितना दूरी है लगभग 38 किलोमीटर की दूरी है गुलाडी से, गालूडी से लेकर यहाँ तक 38 किलोमीटर के दायरा में मात्र 2 हाई स्कूल है। हमारी बच्चियाँ जो जाती है यहाँ से बस पकड़ के पढ़ने के लिए या वहाँ से आती है, कभी भी प्रियंका की तरह घटना घट सकता है, ये हम बताना चाहेंगे। और आपको बता दें सर कि 2224 शराब खाना है, कितनी आंकड़ा, कितने मजेदार है सर। तमाम प्रत्याशी हैं, इस पर कोई कहीं से कोई बात नहीं हो रही है। हमारे बीच में रघुवर दास, हमारे बीच में रघुवर जी तो खुद ही नशे में बोल रहे हैं कुछ, रघुवर दास बंद कराए, सरजू राय नशे में खुद ही बोल रहे हैं, कौन पल्लव, बल्लभ, सौरभ, गौरव बल्लभ, पता नहीं कौन बल्लभ। मेरा एक मानना, मैं हजे पत्रकार पूछना चाहता हूँ तमाम मतदाताओं से, हे मतदाता बंधु, आपको पता है कि आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसकी शिक्षा, उसकी भविष्य कहाँ जा रहा है? सोचिए, गौर कीजिए, और 7 तारीख को जा करके वही मतदान कीजिए जहां आपकी शिक्षा के प्रति वो सचक हो। अगर इसमें चारों में से लगता है कि आपके लिए है, शिक्षा के प्रति ध्यान देंगे, तो आप अवश्य मतदान करें, अन्यथा न करें। लेकिन सबसे पहले बच्चा पढ़ेगा आपका, आपका घर अच्छा रहेगा, बच्चा नहीं पढ़ेगा, बच्चा खेलेगा कूदेगा, आपकी मानसिकता जो खराब हो जाएगी, मेरा मानना है सर। थैंक यू, क्योंकि बच्चा का जी, तो हम 5 साल के अंदर 500 से ज़्यादा स्कूल यहाँ जमशेदपुर में खोल सकते हैं। और शराब की दुकान जो है, अगर गवर्नमेंट लगी तो वैसे भी शराब ज़्यादा हो रही है, उसको बंद भी करा सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट आने दीजिए आप जो। चलिए, तो सर अपना अपना अपील कर दीजिए फटाफट आप भी, कि आप कितने नंबर पर हैं, कितने नंबर पर जुगसलाई में हैं? 47 जी, आपने बताइए वहाँ कैमरा पे। 47 जुगसलाई विधानसभा पर कीजिए, वोट करने का, वोट करने कीजिए, सीरियल नंबर 9 नंबर पर है। अरे नहीं सर, नहीं आप बोलो कि मैं कितना पर हूँ, मेरा नाम फलना। मैं जुगसलाई विधानसभा से हूँ, और मैं 47 जुगसलाई विधान, मेरा नाम विजय मुखी है, मैं जुगसलाई विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। आप बताइए सर। जी मैं बहरा घोड़ा से, 9 नंबर सीरियल में मेरा नाम होगा, बटन हो रहेगा, आप मुझे वोट कीजिए, आपका हर समस्या का समाधान मैं करता रहूँगा। बताइए सर तिर्की साहब। मैं सुमरत तिर्की हूँ, मैं पूर्वी विधानसभा से इस बार लड़ रहा हूँ, और मेरा सीरियल नंबर है 11। मुखी जी आप बताइए। मेरा नाम सुनील मुखी है, मैं जमशेदपुर पश्चिम से लड़ रहा हूँ, और मेरा क्रम संख्या 11, कोट छाप पर बटन दबाकर मुझे विजय बनाए, और मैं तमाम विधानसभा की जो भी समस्या में से दूर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मेरा शिक्षा ये मस्ट रहेगा। तो आपको बता दें कि आप इस समाचार को देखना चाहते हैं, अभी देखना चाहते हैं, तो तुरंत सिटी न्यूज जमशेदपुर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर देखें, और आपको 10 मिनट में लाइव आपको प्रसारण हो जाएगी। और कल मैंने रात में इनका इंटरव्यू कर रहा था, इन्होंने मुझे बताया कि हमारे नागपुर से एक बहुत ही बड़े हमारे बीच आ रहे हैं जी, वो आ रहे हैं, आप आइए। तो मैंने बहुत प्रयास किया आने के लिए, काफ़ी जमशेदपुर में इतनी ना भीड़ है, जाम है, कि आते आते मुझे, खैर बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग से मुझे मौका मिला, और
रही है खबर, वोट करना है, सिटी न्यूज जमशेदपुर में जाइए, जा करके देखिए यूट्यूब पर, और ये इस कार्यक्रम को देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और बताइए लोगों को कि शिक्षा पर प्रति ध्यान दीजिए, शिक्षा रहेगा तो हम रोजगार कुछ ना कुछ तलाश लेंगे, शिक्षा अगर मेरा बच्चा को मिलेगा तो मैं शिक्षा आगे बढ़ेगा, देश बढ़ेगा आगे, मेरा बच्चा बढ़ेगा, मेरा समाज बढ़ेगा, मेरा घर बढ़ेगा। तो रही है खबर, ले चलते हैं स्टूडियो ओवर टू न्यूज़ 7 के लिए, न्यूज़ सिटी न्यूज़ चैनल, धन्यवाद।